नमस्कार, सस्त्रियाकाल, सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो। दोस्तों, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या कॉलेज स्टूडेंट बनने वाले हैं या ऐसे बच्चों के माता पिता हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जिंदगी क्या है? ये जिंदगी जब इंसान जन्म लेता है और जब वह मर जाता है, उसके दरमियान का समय जिसे हम जिंदगी कहते हैं। इंसान की आयु 100 वर्ष कहते हैं, इतना कोई जीता नहीं, 90, 80 या 70 साल मान के चलिए, ये है हमारी ज़िंदगी। और हमारी ज़िंदगी को हमें ही बनाना है। कैसे, समझना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखो। जब बच्चा पैदा होता है तो करीब 2 या 3 किलो का होता है। कुछ दिनों में उसका वज़न बढ़ जाता है, अपने पैरों पर चलने लगता है, बोलने लगता है। 18 या 20 साल तक उसकी हाइट भी बढ़ जाती है। इसे हम फिज़िकल ग्रोथ यानी शारीरिक उन्नति कहते हैं। अच्छा शरीर पाने के लिए हम अच्छा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वगैरह वगैरह। शरीर के साथ साथ हमारा दिमाग भी बढ़ता है। छोटा बच्चा नहीं जानता कि आँख को छूने से उसका हाथ जल सकता है। यह वह अनुभव से सीखता है कि धरती क्या है, विज्ञान क्या है, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बहुत कुछ सीखता है। स्कूल में जाकर एग्ज़ाम देकर पास भी हो जाता है। इसे कहते हैं मेंटल ग्रोथ यानी बौद्धिक उन्नति। मेंटल ग्रोथ के लिए भी हम बहुत प्रयास करते हैं। रात रात भर बैठकर पढ़ाई करते हैं, स्कूल के अलावा ट्यूशन भी लगवाते हैं, कोचिंग क्लासेस या दोस्तों के साथ बहुत मेहनत करते हैं ताकि अच्छा करियर बने। खैर, जब हमारी पढ़ाई ख़त्म हुई तो हम जॉब करते हैं, सैलरी उठाते हैं, फिर और ज़्यादा मेहनत करके ढेर सारा पैसा जोड़ते हैं। पहले अपने लिए, फिर अपने परिवार के लिए, फिर परिवार की सुख समृद्धि के लिए, फिर आगे भविष्य के लिए, जोड़ते जाते हैं। इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक उन्नति। लेकिन हर इंसान जब वह मैच्योर यानी समझदार हो जाता है तो वह सोचता है, जो मैं बनना चाहता था वो तो मैं नहीं बन पाया। नौकरी करके पैसा तो मिल रहा है पर मैं इस काम को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। वे सोचता है, आखिर मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माय लाइफ। ये सवाल उसे बहुत परेशान करता है। तो हमें पता कैसे चलेगा हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? अब ध्यान से सुनो। पेड़ों के 2 पत्ते कभी एक समान नहीं होते। करोड़ों लोगों में भी 2 लोग दिखने में या वज़न में एक समान नहीं होते, वैसे ही 2 इंसान की ज़िंदगी का मकसद भी एक जैसा नहीं होता। इस ज़िंदगी के मकसद को पहचानना और उस दिशा में काम करना, उसे हम स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी आध्यात्मिक उन्नति कहते हैं। आज स्कूल या कॉलेज का एजुकेशन सिस्टम स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बात नहीं करता, इसलिए हम पढ़ लिख कर नौकर तो बन जाते हैं पर ज़िंदगी के बारे में नहीं जानते। यहाँ मैं एक सच्चाई दिखाती हूँ। यूपी में सरकारी नौकरी चपरासी की रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन 5वीं पास और वैकेंसी थी 62। उसके लिए टोटल 93,000 एप्लीकेशन आई, जिसमें 50,000 ग्रेजुएट, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट और 3700 पीएचडी वालों ने अप्लाई किया। इससे पता चलता है हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें कहाँ ले जा रहा है। अब सुनिए अपनी ज़िंदगी को बनाने का आसान तरीका। आप भारतीय विद्या भवन दिल्ली आइए। हमारे पास 1 साल के 20 से अधिक प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जिसको करके आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। साथ ही साथ इग्नू से बीए ज्वाइन करो तो 3 साल में ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगी। भवन में 1 साल पूरी तरह से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हुए आप प्रोफेशनल बन जाते हो। और साथ ही साथ हम आपकी ज़िंदगी के लिए सही क्या है और गलत क्या है इसकी जानकारी यानी लाइफ मैनेजमेंट भी सिखाते हैं। इससे आपकी पूरी ज़िंदगी संवर जाएगी। भारतीय विद्या भवन की तरफ से एक अनोखा प्रयास है अपने आप को पहचानने के लिए और अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए। हमारा एडमिशन टेस्ट कम करियर काउंसलिंग अटेंड करें। बेस्ट ऑफ लक। याद रहे, भवंस कॉलेज ज़िंदगी बनाता है।